सो हे हिप हॉप के फैंस, आज शुरू करते हैं हम एमिवे बंटाई से। तो जो टोनी कक्कर है वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और उनसे एमिवे के साथ कोलैब के बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या कहा ये आप खुद देख सकते हैं। एमिवे बंटाई के साथ कोलैब करो, एमिवे बंटाई अगर पैसे ना लें तो कर लेंगे। वो 50 लाख सोचा है, सुना है, चार्ज करते। मजाक कर रहा हूँ, मेरे को तो उन्होंने बोला था भाई कुछ भी बोलो आप, मैं हाजिर हूँ। बट भाई को भी हम यू नो ऐसे यूज नहीं करेंगे, भाई ने इतना बड़ा ब्रांड बनाया तो भाई को प्रॉपर पे करेंगे। जब यू नो आई थिंक देर इज अ लेबल हु इज विलिंग टू यू नो पुट दिस प्रोजेक्ट एंड दे वांट कि मैं और एमिवे कोलैबोरेट करें, व्हाई नॉट करेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट विजय डीके की तरफ से। तो विजय डीके के फैन पेज ने कुछ स्टोरी डाली थी और उसके बाद विजय डीके ने एक स्टोरी डाली, उस पे लिखा हुआ था, बहुत बुरा लग रहा है ये देख के कि जो लोग मेरे नाम से घर का राशन भर रहे हैं वही लोग मेरे बनाए हुए फैन पेज से मेरे फैंस लोग के बीच नेगेटिविटी फैलाकर जात पात की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे नॉनसेंस और एक फैन पेज की, रिपोर्ट करो अभी के अभी इस आईडी को सब लोग मिलके और इंसानियत की ताकत बताओ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो नेक्स्ट अपडेट एमसी स्टैन की तरफ से। तो अभी आपको पता होगा कि एमसी स्टैन का एमएस धोनी के साथ एक एड आया हुआ है, तो उसी को शेयर करते हुए एमसी स्टैन एक स्टोरी डाली है और उसमें लिखा है ओनली बिग मूव। भाई काफी सारे लोगों को एड देखकर लग रहा है कि सच में एमएस धोनी ने एमसी स्टैन को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया, बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एड में ही फॉलो किया हुआ है। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।